अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल द व्यूअर्स, ऑल द बाइकर्स, ऑल द टूरर्स। आज मैं इसका फर्स्ट टैंक, इसका यानी कि मैं बता दूं जिनको नहीं पता, होंडा सीरीज 70 मॉडल 2022, ये है इसकी लुक। इसका फर्स्ट टैंक आज मैं फुल करवाने लगा हूं। अभी रीडिंग है जनाब, वहां से मैं लाया था, तो आप ये देखें कि 5 है और बिल्कुल आगे जाएँ तो वो 0.8 ये रीडिंग है जनाब इसकी। और इसको स्टार्ट भी करता हूँ, अभी सुबह फर्स्ट स्टार्ट इसको चोक दे के करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाओ फर्स्ट किक पे स्टार्ट हुई है और चोक करते हैं बंद, थोड़ी वार्म अप करते हैं और फिर चलते हैं इस पे फर्स्ट टैंक फुल करा लें। तो जी व्यूअर्स, इसके तकरीबन हर किलोमीटर में चाह रहा हूँ आपसे शेयर करूँ, इसलिए कि बाइक जो ओन करे वो जैसे बता सकता है वो वैसे नहीं आप बता सकते कि कोई बाइक पकड़ी, शोरूम पे रिव्यू कर लिया या एक चक्कर लगाया और उसके बारे में आप राय कायम ऐसे कर दें, तो उससे बेहतर है कि बंदा ले के, क्योंकि चले ये ऐसी प्राइस में है कि कोई इशू नहीं। बहुत सारे व्यूअर्स की फरमाइश भी थी कि मैं ये मोटर बाइक लूँ, मैं ख़ुद भी इनफैक्ट मिस कर रहा था और ऑनेस्टली मतलब मैं पिछले जब 70 था उस पर यूँ टूर्स नहीं कर सका, इस पर बिल्कुल मेरा इरादा है कि टूर्स करके मैंने दिखाने हैं आपको इंशाल्लाह। और चेक करेंगे इसकी लिमिट्स, पहले तो ये कि मैंने इसकी जो इनिशियल रनिंग है वो ज़ाहिर है कि अच्छे तरीके से पूरी करनी है और 500 किलोमीटर चलने पे इसका इंजन ऑयल रिप्लेस करना है, मतलब 450 से 500 के दरमियान, 500 से ऊपर नहीं जाना चाहिए वो बेहतर है। और फिर उसके बाद 1000 पे इंजन ऑयल रिप्लेस होगा और जनाब क्या होगा और इसके ट्यूनअप होगा। यस, और सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, इस पर टूर्स भी करूँगा। उसकी वजह है कि कमाल तो देखें इसी में है कि बंदा 70 पे टूर करे तो वो कमाल है। तो आज अब सबसे पहले हम इसका करते हैं जी पेट्रोल टैंक फुल। अच्छा व्यूअर्स, पहला टैंक फुल कराने के लिए मैं जा रहा हूँ जो G94 में PSO का पंप है फ़िलहाल यहाँ से। बाकी वैसे खैर मेरे जो आमतौर पे मैं जहाँ से डलवाता हूँ फ्यूल वो तो दूसरे पंप्स हैं, लेकिन चलें यहाँ से फुल करा लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी कभी कभार मैं फ्यूल डाल लेता हूँ और कभी खैर मुझे कोई कंप्लेंट तो नहीं आई यहाँ से। अच्छा जी, 8 किलोमीटर्स हो गया, यानी अभी तक सिंगल डिजिट पे है और डबल डिजिट हो जाएगा। ये शुरू के जो व्यूअर्स 100 होते हैं ना, मेरे हिसाब में बड़े क्रिटिकल होते हैं कि ये तो बहुत ही एहतियात से है क्योंकि बाइक्स आती हैं टेढ़ी मेढ़ी ऐसे। और तो ऑयल वगैरह सूखने, मतलब वो जो साइडों पे अगर कोई ऐसा गिरा हो तो वो टाइम लगता है। तो यहाँ से हम कराते हैं जनाब, इसको फुल कराते हैं। मेरा ख्याल है आगे चला जाता हूँ मैं यहाँ से, 123.80 पर लीटर है। अस्सलाम वालेकुम, ये कर दें जी फुल, फुल करना 123 रुपये 80 पैसे, बिल्कुल ठीक है जी, ज़ीरो चेक करा दी है और इसको फुल करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कितना पेट्रोल इसमें आएगा इंशाल्लाह। और ऐसे फुल कर दें कि बस बाहर ना गिरे।
8 है व्यूअर्स इस पर, अभी 8 किलोमीटर्स आया है। कोई बात, हाँ हाँ ऊपर भी चला जाता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ फिर बाहर गिरेगा, सही कह रहे हैं। ये लें जी, वेरी गुड, अच्छा फुल किया। अच्छा अब इसके मुझे ज़रा ना 250 ने, 250 ने नई मोटरसाइकिल ली है, मिठाई के हैं। थैंक यू, दुआ चाहिए आपकी। तो व्यूअर्स बहुत अच्छे तरीके से फुल किया और कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप पहला फ्यूल पे खुशी से दे दें तो अच्छा है, कोई इतना मैटर नहीं करता। अच्छा जी, 8 पर है इसकी रीडिंग अगर देखें तो। मैं इधर से लेता हूँ टर्न और अच्छा हाँ एक चीज़ मैं और कर लूँ कि ये था रिज़र्व पे और इसको मैं कर दूँ नीचे ये, ताकि रिज़र्व जब लगे तो मुझे पता चल जाए। चलते हैं जी अब आगे। यहाँ से अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ व्यूअर्स, यानी इसी में इसका जो है डबल फिगर इसी में आ जाएगा और वो मैं आपसे शेयर करूँगा कि कब आएगा इसका डबल फिगर, यानी यहाँ पे अभी 8 पर है तो यानी 10 से लेकर 99 तक इसके डबल फिगर चल रहे हैं। तो चलते हैं जनाब। ये मैं बता दूं कि ये मैं हूँ अभी श्रीनगर हाईवे पे, बाइक बड़ी स्मूथ है। अच्छा कुछ चीज़ें ज़ाहिर है मैं साथ साथ बताऊँगा, उन चक्करों में कई मुझे जो कह रहे हैं जी आप इसकी वो गिनवाएं 101 खूबियाँ, तो बस उन चक्करों में अभी छोड़ें ना पड़ें, इन्जॉय करते हैं इसकी राइड और देखते हैं जनाब इसको। नाइन किलोमीटर हो गए व्यूअर्स। मैं मीटर वाला पार्ट इसलिए ज़रा दिखा रहा हूँ कि ज़रा ताकि ये जगह पता चले, तो मैंने इंटेंशनली थोड़ा सा कैमरा डाउन रखा हुआ है। मैं आपको रुक के दिखाऊंगा। 9.8 9.9 और ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी। ये देखें अगर आपको नज़र आ रहा हो, डबल डिजिट में आ गया, ये देखिए। अच्छा इंडिकेटर लगा हुआ था क्योंकि मुझे आदत है वो जो बज़र होता है उसकी, वो नहीं था तो वो भी खैर मैं लगवाऊंगा इसमें। फ़िलहाल चलते हैं आगे और इधर से निकलना भी बड़ी एहतियात से होता है। अच्छा पिक वगैरह तो वाकई मुझे वैसे फ़ील हो रहा है कि अच्छी है, क्लेम करते हैं लेकिन खैर मुझे फ़ील भी हुआ है कि ज़रा रिस्पॉन्स है थोड़ा 70 के हिसाब से। अच्छा बाकी जो इसके काम मुझे करने होंगे, ज़ाहिर है
पिछली दफ़ा मैंने शायद 1000 पे इसकी वो किया था जो व्हील बैलेंस है, लेकिन इस दफ़ा मैं इसके थोड़ा सा अर्ली करवाऊंगा क्योंकि सुना कि वो थोड़ा जल्दी करा लेना चाहिए 300-400 पे, वरना ये कि 1000 तक ज़रा ज़्यादा वो मतलब उससे मसला आ सकता है। तो जी व्यूअर्स, ये थी फर्स्ट टैंक फुल की वीडियो, और आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, एक एक चीज़ शेयर करूँगा इसकी, ये आप देख सकते हैं। और एक अभी आपको इसकी फिर मैं दिखा दूँगा लुक यहाँ पे, एक लुक आपको दिखा दूँ। अच्छा, 10.9 किलोमीटर ही है, ये मैंने कर दी बंद। अच्छा, मैं सारा कुछ आपको फिर इसके ये भी बताऊंगा कि अच्छा आप कहेंगे प्लास्टिक क्यों नहीं उतारा, ताकि ज़रा पता चले, ये जल्द उतर जाएगा, ताकि पता चले जी ब्रांड न्यू, और जो किसी को मिठाई भी खिलाएं तो पता चले। ये आ गई जनाब, ये लुक आ गई इसकी, CD70 मॉडल 2022 की। सारा मैं आपको बताऊंगा, आपने जुड़े रहना, इसकी जो वीडियोस आएंगी यानी कि जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसकी रात को लाइट कैसी है, कैसा परफॉर्म कर रही है लाइट, सारे इंडिकेटर वगैरह भी जला के दिखाऊंगा। तो इसके साथ ही अब मुझे आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय। काफ़ी अरसे बाद चला रहा हूँ तो काफ़ी छोटी छोटी मुझे फ़ील हो रही है, लेकिन मज़े की आइटम फ़ील हो रही है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़ और बाय बाय।